देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्य सचिव आमिर सुहानी की अध्यक्षता में उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा, उत्पाद आयुक्त सह निबंधन महानिरीक्षक बिहार वी कार्तिकेय जी धन जी एवं सभी जिलाधिकारी की उपस्थिति में निबंधन के लिए रोक सूची की जमीन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में सभी जिलाधिकारी से बारी बारी से अपने अपने जिले के रोक सूची में शामिल जमीन के सत्यापन एवं रोक सूची से हटाई गई जमीन की संख्या के संबंध में आंकड़े लिए गए तथा उन्हें जल्द से जल्द रोक सूची की सभी जमीनों का सत्यापन कर लेने तथा दोहरी प्रविष्टि वाले जमीनों का सत्यापन कर लेने तथा वैसे जमीन जो रोक सूची से मुक्त किए जाने योग्य है उस भूखंड की रोक सूची मुक्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन को रोक सूची से हटवाने का दावा करता है तो वह साक्ष्य के साथ जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपना दावा कर सकता है। उन्होंने कहा कि लोक भूमि या वक्फ बोर्ड धार्मिक न्यास की जमीन बेची नहीं जा सकती, रोक सूची के सत्यापन के समय इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा ने कहा कि रोक सूची से जमीन निबंधन हेतु विमुक्त करते समय यह ध्यान देने की जरूरत है कि टोपो लैंड का सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए यह भूमि हस्तांतरणीय है। बंदोबस्ती की भूमि अहस्तांतरणीय होती है, सीलिंग में निहित जमीन भी रोक सूची से नहीं हटाई जा सकती। उल्लेखनीय है कि बिहार में कुल 28,84,891 भूमि रोक सूची में शामिल है, जिनमें सत्यापन कर 2,32,887 भूमि को रोक सूची से हटाया गया है। दरभंगा एनआईसी से जिलाधिकारी से जिला निबंधन पदाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि जिले की 46,769 भूमि रोक सूची में शामिल है, जिनमें से सत्यापन के उपरांत 6,265 भूमि को रोक सूची से हटाया गया है। जिले में 4,851 दोहरी प्रविष्टि वाली जमीन थी। उन्होंने कहा कि दरभंगा में रोक सूची की जिला स्तरीय कमेटी प्रत्येक माह में एक बार बैठक करती है, जहां रोक सूची से अपनी भूमि को हटवाने के लिए दावा करने वाले आवेदकों के आवेदन पर भी सुनवाई की जाती है। बैठक में जिला अपर निबंधन पदाधिकारी निगम प्रकाश ज्वाला, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अवर निबंधन पदाधिकारी बहेरा सोहेल अख्तर, अवर निबंधन पदाधिकारी खमतौल अंबुज कुमार कुणाल एवं अवर निबंधन पदाधिकारी बिरौल भास्कर ज्योति उपस्थित थे। विकास के लिए गतिशीलता आवश्यक है, जो जकड़ा हुआ है उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। किसी भी क्षेत्र में जीवंतता बदलाव से ही संभव है। हमारा विश्वविद्यालय बिहार में एक नंबर बदलाव का वाहक बन रहा है। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा जुबली हॉल में प्रायोगिक मौखिक की परीक्षा के अंक पत्र पोर्टल के माध्यम से तैयार करने के निमित्त आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा। इसी बदलाव के लिए आपके साथ ये चर्चा है, क्योंकि बदलाव का जो ग्राउंड लेवल का टास्क है वो आपके हिस्से में है। पॉलिसी लेवल का टास्क तो हमारे हिस्से में है, हमारी टीम के पास है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर टास्क करना है, बदलाव को एग्जीक्यूट करना है, वो आपका। जाहिर सी बात है, अगर 100 लोगों में से 5 लोगों ने इस बदलाव को नहीं स्वीकार किया तो जाहिर सी बात है वो 5 अलग आइडेंटिफाई हो जाएंगे और उनका रिजल्ट निश्चित रूप से रोक करके आगे देखते हैं। तो कोई चूक ना होने पाए, आप आइडेंटिफाई ना हो, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम होगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि कौन पीछे छूट गया, किसका नहीं आया, लेवल पता लग जाएगा। तो आप किसी ऐसी व्यवस्था ना आने पाए आपके पास, इसलिए दूरदर्शिता के साथ अपने साथियों को कंट्रोल लीजिए, अपनी क्षमता को कंट्रोल लीजिए। आप स्वतंत्र हैं अपने आदमी को सिखाने के लिए उनका, और अंतिम जो होगा वो उस पोर्टल पे जितना मार्क्स आपने भरा है उसको डाउनलोड करके उस पर जो एग्जामर जाएंगे एक्सटर्नल इंटरनल और हमारे प्रधान चार दस्तक करके वो यहाँ प्रवर्त कर देंगे। अब दो सबूत हो जाएंगे। पहले आपके पास प्रैक्टिकल का कोई मार्क्स नहीं होता था, प्रधान चार के पास कोई मार्क्स नहीं होता था, जो मैनुअल बनता था वो दोनों कॉपी यहाँ भेजी जाती थी। अब आपके छात्रों को जो नंबर है वो पोर्टल पे आपके पास भी है, और यहां भी
ऑलरेडी फिर वहां से आता था यहाँ चढ़ता था जिसमें थोड़ी दिक्कतें होती थी, तो आप ऑलरेडी जो आप पोस्ट करेंगे यहाँ उसके मार्कशीट पर पोस्ट हो जाएगा खुद ब खुद। ऐसी स्थिति में जो समस्याएं थी कि अपियर हुए नहीं हुए, मेमो नहीं मिल रहा है, बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार, हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शहर के नागर आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, आईआईटी, जेई, 11वीं, 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने आईआईटी एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और मध्यांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 82962। विजन फॉर इंडिया 2047 यानी 2047 में भारत देश की आजादी का 100 वर्ष पूरा होगा, और देश की आजादी के 100 वर्ष के बाद कैसा भारत देश होगा और देश का टेक्नोलॉजी कैसा होगा, हमारा रहन सहन और कल्चर, शिक्षा व्यवस्था, इन्हीं सब बातों को लेकर डाक विभाग प्रमंडल द्वारा 2.5 अक्षर लेटर राइटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया माउंट समर स्कूल में। वहीं इस प्रतियोगिता कार्यक्रम में 18 वर्ष से नीचे के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और 2047 तक यानी देश के आजादी के 100 वर्ष तक भारत देश कैसा होगा, इन तमाम बातों पर 1000 शब्दों से अधिक शब्दों में लेख लिखना था। और इस प्रतियोगिता में जो भी छात्र छात्राएं अच्छा करेंगे ऐसे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाए। जो कार्यक्रम है नेशनल लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से 2.5 आकर लेटर राइटिंग की शुरुआत की है। जो एक टॉपिक है विजन फॉर इंडिया 2047, मतलब 2047 में जब हमारा देश की आज़ादी का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा, मतलब अभी 2022 है, 25 साल के बाद 100 वर्ष जो पूरा हो जाएगा, उस समय मेरा देश कैसा होगा, मेरे देश का लुक क्या होगा, मेरे देश का नागरिक रहन सहन, हमारा एजुकेशन, कल्चर, हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा देश का आगे का स्कोप क्या होगा, इस बारे में इसको लेटर राइटिंग हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज तीनों में स्कूल के बच्चे जिसका एज 18 साल से नीचे हो उस बच्चे से ही लेटर ड्राफ्टिंग कराया जा रहा है। जो हम लोग उसको कलेक्ट करके एक इन सील्ड एनवेलप में पैक करके हम लोग बिहार सर्किल पटना को सबमिट करेंगे, वहाँ से जिसका परफॉर्मेंस, जिसका लेटर राइटिंग और टॉपिक अच्छा रहेगा उसको पारितोषिक रूप में उपहार के रूप में उसको प्राइज दिया जाएगा। आज 11 अक्टूबर 2022 को माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा बच्चों के बीच एक लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन रखा गया है जिसका थीम है विजन फॉर इंडिया 2047। 2047 में हमारे देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के बाद बच्चों का हमारे देश के लिए क्या विजन है, इस लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन के थ्रू हम जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों का इमेजिनेशन जो है, उनकी जो इमेजिनेशन की पावर है वो हमसे कहीं गुना ज़्यादा है। इसके मद्देनज़र डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन रखा है जिसमें हम जानेंगे कि 2047 में
हमारे देश की आज़ादी के जो 100 साल पूरे हो गए हैं उस पे हमारे बच्चों का क्या इमेजिनेशन है और हमारे देश को वो किस मुकाम पर देखना चाहते हैं। शराब मामले के आरोप में एक व्यक्ति को उत्पाद विभाग की पुलिस ने मंगलवार की सुबह एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत में ले गई। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल में एक ही परिवार के 3 उम्मीदवार सफल हुए, जिसमें सुरेंद्र लाल देव अवकाश पर पुलिस इंस्पेक्टर सह मैराथन धावक 2022 एवं आभा देवी ग्राम नोगेड़ा बहेरी के दोनों सुपुत्री कुमारी सिप्रा एवं नेहा कुमारी तथा पिता अजय कुमार प्राध्यापक चिन्हित मध्य विद्यालय मथुरापुर कबीरचक एवं माता गीता देवी के पुत्र अनंत कुमार ग्राम तुर्की पोस्ट मोहली पंचायत सुसारी तुर्की थाना बहेरी के मूल निवासी हैं और वर्तमान में कबीरचक पंचायत के भेलूचक निवासी हैं। तीनों बच्चे सी स्लैक क्लैट के माध्यम से चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं जो LLM तक की पढ़ाई की और तीनों ने प्रथम प्रयास में यह सफलता हासिल की है। तीनों उम्मीदवार ने अपने मार्गदर्शन के रूप में सुरेंद्र लाल देव अधिवक्ता उदय लाल देव आनंद कुमार का नाम ले रहे हैं। तीनों ने ही माता पिता एवं समाज के आशीर्वाद का श्रेय भी दे रहे हैं। वहीं उपस्थित चंदन कुमार, आर्य शंकर, सुधांशु कुमार, हिमांशु कुमार, विपिन कुमार मौजूद थे। 31वीं सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से कंप्लीट किया है। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन NUGS कोलकाता से कंप्लीट किया है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने क्लोज रिलेटिव्स और अपने क्लोज फ्रेंड्स, मेरे जो एडमिशन से मैं उनको देना चाहूँगी। और मैं आगे के जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मेरे जो आगे के जो भी एक्सपीरियंस हैं, मैं उनको सजेशन देना, सुझाव देना चाहूँगी कि वो अपने आप पर भरोसा रखें। ये मेरा भी दूसरा प्रयास है। अगर आप भी कभी अपने लाइफ में असफल होते हैं तो अपनी असफलताओं से सीखें। और मैं अपने कैटेगरी में 37 पोजीशन पे हूँ और इन टोटल मैं 352 पोजीशन होल्ड कर रही हूँ और बहुत खुशी है मुझे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गई हूँ। तैयारी तो मैं पापा जो जितना पढ़ाते थे, जैसे गाइड करते थे, वैसे मैंने पढ़ा और उस तरीके से मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है और श्रेय मेरे पूरे फैमिली को जाता है। श्रेय को मैं बयां कर ही नहीं सकता हूँ, वही है जो मैं यहाँ तक हूँ। जितना भरोसा किया मेरे ऊपर, समय लगा, 3-4 साल लंबा प्रोसेस था, इतना दिन तक इंतजार किए और हम भी उनको मतलब खुश करने का पूरा कोशिश किया और अभी मेरे कारण वो खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं घर पे तो नहीं रहा पढ़ाई के प्रिपरेशन के दौर में, मैं अपने दोस्त के पास था, वहाँ पे वो सेवारत है अभी जुडिशल सर्विस किशनगंज में था, तो वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई, उसका भी सहयोग रहा, वो बहुत मदद किया, वहाँ मैं पढ़ता था। और घर के लोगों का जहाँ तक जो कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, चाहे जो भी कुछ हुआ, वो कभी मुझे मतलब फील ही नहीं हुआ कि वो कभी फील ही नहीं होने दिए कि ये कमी है, ये है, वो है, कुछ नहीं, कभी फील नहीं हुआ। तो मैंने अपने समस्त परिवार को, मेरे माँ बाबू जी, मेरे चाचा जी, मेरे बड़े पापा, सब लोग का श्रेय है, सबका आशीर्वाद है। पूरे गाँव के लोग जो थे वो मेरे ऊपर था कि उनको विश्वास था कि ये कुछ है करेगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। गरीबों के मान सम्मान व अधिकार की रक्षा के सवाल पर बिरौल के देकुली धाम में 15 अक्टूबर को गरीबों के जन पंचायत का आयोजन किया गया है। इस जन पंचायत की तैयारी को लेकर राम कुमार शाह के दरवाजे देकुली में आसपास ग्रामीणों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, भाकपा माले बिरौल प्रखंड सचिव वैद्यनाथ यादव, गजेंद्र शर्मा, लालन राम, राम सुहाग चौपाल, बसंत शाह, विष्णु कुमार शर्मा सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। द्वारा एक जन पंचायत जो 15 तारीख के होना है, लगातार इस इलाका में दलित गरीबों पे हमला होता रहा है और यहाँ की पुलिस प्रशासन जो है
नींद में सोया हुआ। आज यहाँ की गरीब इस बात को लेके बैठे हैं जो हम यहाँ के मान मर्यादा से लेके हक अधिकार के लिए हम लड़ाई को लड़ेंगे। आज ये तय हुआ है जो कृष्ण कुमार शर्मा, आज 5 महीना बीत गया है और अभी तक प्रशासन हमें रिकवरी नहीं किया। लगातार उनके परिवार को आश्वासन मिला, 2-4 दिन करके आश्वासन मिलता रहा और परिवार के लोग हताशा और निराशा से गुजर रहे। एसपी के यहाँ भी कार्यक्रम के बाद उन्होंने 15 दिन का समय लिया, उनका भी समय पूरा हो गया। तो आज इस यहाँ से संकल्प सभी गरीब लेंगे और काफी संख्या में अन्हारी टोला पर पंचायत लगाई जाएगी। उस पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए अपना पद विश्वविद्यालय प्रभारी से इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार 7 सालों से विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करते आया हूं। सीएम कॉलेज से भी छात्र संघ चुनाव में जीत का छात्रों के बीच कई प्रकार के सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया। विश्वविद्यालय में पीजी में मेरे ही द्वारा 3% आरक्षण देने के बाद छात्रों को नामांकन होना संभव हो पाया। ऐसे कई कार्य किए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को कभी नंबर 1 का दर्जा मेरे ही कार्यकाल में मिल पाया था। हमने 7 सालों में विश्वविद्यालय प्रशासन के जगाने का काम किया तथा भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद किया है। ललित मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कैसे मिले, मिथिला राज्य की निर्माण कैसे हो, इसके लिए अब हम गांव गांव जाएंगे, गांव गांव में नौजवान को जागरूक करेंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, ताकि छात्र जो विश्वविद्यालय में दौड़ते हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा मिलने के बाद छात्रों को यूनिवर्सिटी का दौर नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए हम इस्तीफा दे के कल से मिथिला राज्य निर्माण में अपना योगदान देने के लिए पैदल यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहा। डॉन बॉस्को स्कूल बीवी पाकर में विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता कुमार अभिनव, विशिष्ट अतिथि स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर सैयद अनवर हसन आबदी, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अबू बकर आबदी, मोहम्मद फहद आबदी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूल की बच्चियों के द्वारा स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत सा अभिनंदन किया गया। डॉन बॉस्को स्कूल परिवार की ओर से पाक सादा पहनाकर मोमेंटो पेंटिंग देकर सम्मानित किया गया। मौके पर बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कुमार अभिनव ने कानून के बारे में विस्तार से बताया, इसकी जानकारी के होने से फायदों के बारे में भी बताया। ऐसे ऑप्शन थे जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया उतना ज़्यादा इंडिया में और बिहार में खासकर। दूसरी बात कि हम लोग अभी भी लॉ है हमारे बचाव के लिए, सारा तंत्र है, सारे सभी साधन है, बट उसका इस्तेमाल करने में एक झिझक है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों से वो झिझक जाए और अगर इस एज से उस झिझक को निकाला जाएगा, हेजिटेशन को निकाला जाएगा, तो ये बच्चे आगे चल के सच में उस लॉ का इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे उठा पाएंगे। तो ये हमारा मेन पर्पज़ है, आप कह सकते हैं इस पूरे समय का हमारी फोकस मेनली है जो बच्चों के डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव कर सके। जैसे हर बच्चे कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूमर होते हैं, तो हर बच्चों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट्स बताए हैं। आजकल बच्चों में जो ऑफेंसेस हैं, साइबर ऑफेंसेस, वो काफ़ी चलन में आ गया है क्योंकि बच्चों को नॉलेज नहीं है, तो हमने उस बारे में कुछ साझा किया नॉलेज। उसके अलावा हमने मोटर व्हीकल एक्ट, क्योंकि बच्चे उस उम्र में हैं जब वो गाड़ियाँ चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, उनको उसकी भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उस बारे में बात करी। एंड देन जो क्लैट है, जो एग्जामिनेशन है लॉ का, वो हमारा मेन पर्पज था। क्या वो बहुत ही अच्छा रहा और बच्चों की काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये डे बाई डे काम आने वाली चीज़ें हैं और ये लीगल राइट्स हमें अपना जानना चाहिए, हमें हमारे अंदर में क्या चीज़ें क्या जानना चाहिए, तो ये सब चीज़ें ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों को काम आएगी। और आपने देखा भी होगा कि बच्चों ने बड़े अच्छे सवाल भी किए थे सर से, जो जवाब की आज के दौर के कर पाते हैं लेकिन पीछे पैसा नहीं कर पा रहे थे,
की अच्छी शुरुआत को समझते हैं कि इससे अच्छा डेवलपमेंट होगा और इम्प्रूवमेंट होगा। लोकनायक जयप्रकाश की जयंती पर स्थानीय जेपी चौक भगवान दास में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। निवर्तमान पार्षद मधुबाला सिन्हा, बेला देवी सहित बाईसी मेहता समाज के रामाशीष राम, सीनियर सदस्य सचिन राम, रंभा देवी, नवीन सिन्हा, मनु राम, दीपक राम, राजा श्रीवास्तव, मोहम्मद शौकत, राकेश कुमार, बलवंत इत्यादि सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 120वीं जयंती मनाई गई लक्ष्मी सागर में हम सेकुलर पार्टी के प्रदेश महासचिव आर के दत्ता, पार्टी के विपिन कुमार दास, प्रकाश चंद्र प्रभाकर, मिश्री लाल मंडल, संतोष कुमार सिन्हा सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं इसमें मौजूद। महान स्वतंत्रता सेनानी और 1942 के अंग्रेज भारत छोड़ो क्रांति आंदोलन के महानायक, बिहार और देश में आपातकाल के खिलाफ संपूर्ण क्रांति के महानायक, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आज 120वीं जयंती समारोह है और इस अवसर पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर की ओर से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह के मनाया गया और हम लोगों ने दरभंगा के जेपी चौक लक्ष्मी सागर में स्थित उनकी प्रतिमा आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें हम लोगों ने नमन किया है। उन्हें